त'चाला का रोल प्ले करने वाले चैडविक बोसमैन के इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत सारे मार्वल फैंस को इस बात की चिंता थी कि यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज वकांडा और ब्लैक पैंथर की लेगेसी को आगे लेकर कैसे बढ़ेगा। लेकिन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर त'चाला को ट्रिब्यूट देते हुए फैंस की हर एक एक्सपेक्टेशन पे अब तक खरी उतरी है और अपने इमोशनल स्टोरी, एक्शन और विजुअल इफेक्ट से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस फ्रेंचाइजी के सुनहरे भविष्य का वादा करती हुई दिख रही है। और आज की वीडियो मौका होने वाली है इस मूवी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट में कमेंट्स में हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से हमें कई बार मिल चुकी है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग ऑसम द ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के वीडियो में पता चलने वाला है कि आखिर एक्चुअली पहले कौन सी कहानी होने वाली थी ब्लैक पैंथर 2 की, और चैडविक बोसमैन की डेथ से मार्वल स्टूडियोज ने आखिर कैसे डील किया। जानेंगे कि आखिर पानी में काम करने के लिए कास्ट और क्रू ने कौन कौन सी तैयारी की थी, ब्लैक पैंथर के रूप में लेटिशिया राइट को आखिर कौन सी इंजरी का सामना करना पड़ा था। जानेंगे इस मूवी के बिहाइंड द सीन कॉस्ट्यूम और उनके डिजाइन और उनके मीनिंग के बारे में, साथ ही साथ विजुअल इफेक्ट, फिल्मिंग और अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के साथ साथ इसके फ्यूचर के बारे में। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लैक पैंथर 2 की शुरुआत एक्चुअली ब्लैक पैंथर 1 से ही हो गई थी और पहली मूवी के को राइटर और डायरेक्टर रायन कुगलर को सेकंड मूवी के लिए ऑलरेडी कमिट भी कर लिया गया था, जहां पर एक्चुअली रायन कुगलर त'चाला को एज अ किंग ग्रो करते हुए दिखाना तो चाहते ही थे, साथ ही साथ वो त'चाला की साइकोलॉजी और उसके कैरेक्टर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए दिखाना चाहते थे। और वो 2019 में ही इसके कहानी की सीक्वल को लिखने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके थे और लेट 2019 या अर्ली 2020 के अंदर इस मूवी की शूटिंग चैडविक बोसमैन के साथ शुरू होनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 28 अगस्त 2020 को चैडविक बोसमैन की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। 28 अगस्त 2020 को चैडविक बोसमैन की पासिंग सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए ही नहीं बल्कि मार्वल के चीफ केविन फाइगी और कई सारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। यहाँ तक कि रायन कुगलर को भी चैडविक बोसमैन की कंडीशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और यहाँ पर उन्होंने तो चैडविक बोसमैन के त'चाला का पहला ड्राफ्ट भी सीक्वल के लिए क्रिएट कर लिया था। लेकिन उनके डेथ से पूरी की पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी बहुत ज्यादा शॉक में चली गई। फाइनली मार्वल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर विक्टोरिया अलोंसो ने इस बात को अनाउंस किया कि वो चैडविक बोसमैन के त'चाला के रोल को एक्चुअली रीकास्ट नहीं करेंगे और वो उन्हीं की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर चैडविक बोसमैन के भाई डेरिक बोसमैन एक्चुअली मार्वल के इस डिसीजन से काफी ज्यादा सैड थे और वो ये मानते थे कि यहाँ पर चैडविक बोसमैन भी ऐसा नहीं चाहते कि उनके चक्कर में पूरा का पूरा एक कैरेक्टर ही वेस्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर मार्वल को ये बात मालूम था कि इस कैरेक्टर के लिए रीकास्ट करना फैंस के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, जिसके कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, चैडविक बोसमैन की अचानक से डेथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कंटिन्यूटी में एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस लेकर आई थी, जिसके कारण ही इसके रिवाइज स्क्रिप्टिंग पर रायन कुगलर और फिल्ममेकर्स तुरंत काम करना शुरू कर चुके थे, जहां पर अपेरेंटली इस सीक्वल को एक बार फिर से लिखा गया और इसके 5 अलग अलग वर्जन बनाए गए थे। इस मूवी के थ्रू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नेमोर का इंक्लूजन बहुत ही ज्यादा सीमलेस दिखाया गया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनली नेमोर इस मूवी के अंदर नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर की पहली मूवी के अंदर ही दिखने वाला था, क्योंकि आज से तकरीबन 12 साल पहले ही क्लेलो कान का इंट्रोडक्शन और हिंट हमें आयरन मैन 2 के एक सीन के अंदर ही हो चुका था, जहां पर ब्लैक पैंथर के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें नेमोर का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता और मोस्ट प्रोबेबली नेमोर का एक बहुत बड़ा रोल इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर भी होने वाला था, लेकिन इस प्लान को उस समय कैंसिल करके आगे तक शिफ्ट किया गया। खैर, इस मूवी के अंदर त्लेलोकान के लोगों को अच्छे से और ऑथेंटिक तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पर त्लेलोकान के रोल को प्ले करने वाले एक्टर्स ने एक्चुअली मायन लैंग्वेज सीखी थी। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए अंडरवाटर परफॉर्म करने की, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर नेमोर का रोल प्ले करने वाले टेनो क्यूएर्टा एक्चुअली इस मूवी से पहले स्विमिंग तक नहीं जानते थे और जब मार्वल स्टूडियोज ने उन्हें स्विमिंग के बारे में पूछा था तो उन्होंने रिप्लाई किया था कि वो एक्चुअली कभी डूबे नहीं, जिसके कारण उन्हें इस मूवी के अंदर नेमोर का रोल प्ले करने से पहले स्विमिंग को सिखाया गया। साथ ही साथ कई सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स को भी सांस को रोकने की प्रैक्टिस भी कराई गई और तो और यहां पर रायन कुगलर ने भी खुद भी इस मूवी के लिए स्विमिंग की ट्रेनिंग ली थी।
वैसे ये डिटेल तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि नेमोर एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स के अंदर डीसी के एक्वामैन के बहुत सिमिलर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्वल ने डीसी से नेमोर को कॉपी किया है, बल्कि बहुत हद तक ये चीज उल्टा है। जहाँ पर एक्चुअली नेमोर पहली बार 1939 में पब्लिश हुई थी, वहीं पर एक्वामैन को कॉमिक बुक्स के अंदर 1941 में लाया गया था। इनके अलावा इनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज कॉमिक बुक के अंदर अटलांटिन माइथोलॉजी को लेकर है। साथ ही साथ दोनों ही कैरेक्टर्स ह्यूमन फादर और अटलांटिन मदर की पैदाइश है, लेकिन मूवी के अंदर नेमोर की पूरी माइथोलॉजी को ही चेंज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर रायन कुगलर डीसी के अंदर एक्वामैन की लेगेसी और फैंस का सम्मान करते हुए उन्होंने पूरी तरह से नेमोर को अलग दिखाया, जो बहुत बेहतरीन साबित हुआ। जैसा कि ब्लैक पैंथर की लेगेसी को स्क्रीन पर दिखाना बहुत चैलेंजिंग था, लेटिसिया राइट ने इस चीज को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इसके लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। एक्चुअली बिहाइंड द सीन एक स्पेशल स्टंट के दौरान लेटिसिया राइट ने अपना कंधा इंजर्ड कर लिया था, जिसके कारण उन्हें रिकवर होने में 4 महीने तक का वक्त लगा था और पूरी की पूरी प्रोडक्शन को एक्चुअली 4 महीने के लिए होल्ड किया गया था। इस मूवी में शूरी के स्पिरिट ट्रियाम के अंदर किलमोंगर को देखना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, और इस कैमियो की भनक मार्वल ने सभी से छुपाई थी, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशानी हुई किलमोंगर का रोल प्ले करने वाले माइकल वी जॉर्डन को, जिन्होंने एक्चुअली अपने फैमिली मेंबर्स तक से इस सीक्रेट को छुपाया था। पिछले मूवी के अंदर कैंड्रिक लमार की कोलैबोरेशन ने उस मूवी के साउंड ट्रैक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप किया था, और वैसा ही कुछ इस मूवी के लिए भी रायन कुगलर चाहते थे, जिसके कारण यहाँ पर रिहाना को अप्रोच किया गया था, जहाँ पर उन्होंने इस मूवी के लिए लिफ्ट मी अप गाने को गाया है। वेल इनिशियली यहाँ पर प्रोडक्शन उन्हें अप्रोच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रिहाना को तकरीबन 6 साल हो गए हैं अपना लास्ट एल्बम रिलीज किए हुए, लेकिन लडविग गैरिसन जो इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर थे, वो रिहाना के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, जिन्होंने अपनी तरफ से रिहाना को अप्रोच किया, और इस मूवी के प्रोडक्शन को देखने के बाद रिहाना के साथ साथ जेजी, जे ब्राउन और रॉक नेशन ने भी इस मूवी के म्यूजिक में अपना साथ निभाया है। वहीं पर अगर बात करें कॉस्ट्यूम्स और लुक्स की, तो इस मूवी के अंदर इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जहां पर ब्लैक पैंथर 1 मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर रूथ ई कार्टर को फिर से इस मूवी के लिए हायर किया गया था, जिन्होंने तचाला के फ्यूनरल वाले सीन के लिए व्हाइट ड्रेस को घाना के कई सारे ट्राइब से इंस्पिरेशन लेकर बनाया था। इसके अलावा टोल्किन कॉस्ट्यूम्स का ट्रायल और फिट चेक करने के लिए डिजाइनर रूथ ई कार्टर ने इन्हें पानी के 20 फीट अंदर टेस्ट करवाया था, जहां पर इन्हें पानी के अंदर फ्लोटी ना फील कराने के लिए इसमें कई सारे एडिशनल वेट्स को भी ऐड किया गया था। साथ ही साथ इन्हें वाटरप्रूफ बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग को बाकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी की तरह ही अटलांटा जॉर्जिया में शूट किया गया था, और इसकी शुरुआत 29 जून 2021 से समर ब्रेक नाम की वर्किंग टाइटल से हुई थी, जहां पर मूवी के एक हिस्से के लिए वोरकेस्टर अमेरिका के MIT और उसके लोकेशन के आसपास भी शूटिंग हुई थी, और कई सारे अंडरवाटर सीन्स के लिए यहां पर बर्न्सविक जॉर्जिया के मैरी रॉस वाटर फ्रंट पार्क का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर रात में इसकी शूटिंग होती थी। वहीं पर अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहां पर ILM, डिजिटल डोमेन और वेटा डिजिटल जैसे मार्वल के पुराने VFX वेंडर्स ने इस मूवी के अंदर भी काम किया है, जहां पर एक्चुअली कई सारे प्रैक्टिकल सेट्स के साथ साथ अंडरवाटर CGI और एनिमेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसे DC के एक्वामैन के हिसाब से बहुत ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक रखा गया था। फिर भी इसकी क्वालिटी ने कुछ फैंस को उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया। पर्सनली मुझे तो ये मार्वल स्टूडियोज का विजुअल इफेक्ट वाला काम बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा था। बात करें अगर इसके क्रिटिकल हिट की, तो ये मूवी ऑडियंस के बीच में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस नंबर अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस मूवी ने $250 मिलियन के बजट पर इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक $545 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए हैं। और तो और इस मूवी को हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में 3-3 अवार्ड नॉमिनेशंस मिली थी, जिसमें से इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन अ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बात करें अगर इसके फ्यूचर की, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ब्लैक पैंथर अपनी वापसी करेगा, जहाँ पर नवंबर 2022 में ही इस बात को रिवील किया गया था कि रायन कुगलर और केविन फाइगी वकांडा की कहानी और ब्लैक पैंथर की कहानी को आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं।
साथ ही साथ रायन कुगलर एक स्पेशल वकांडा सीरीज को भी डेवलप कर रहे हैं जो डोरा मिलाजे पर फोकस करेगी। और फाइनली आयरन हार्ट का भी अपना स्पिन ऑफ टेलीविजन शो हमें जल्द ही डिज्नी प्लस पर देखने को मिलेगा। अब बस देखना ही होगा कि क्या टुसैंड भी हमें कभी ब्लैक पैंथर ग्रुप में आगे देखने को मिलेगा या नहीं। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग ऑसम द ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से उन्नत वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।